हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर की बैठक बस अड्डा परिसर में हुई, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर चालक परिचालक समेत तमाम स्टाफ ने गहरी चिंता व्यक्त की है और निगम प्रबंधन से चालक परिचालक समेत तमाम स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर संभव सुविधा करवाने की मांग की है। संयुक्त समन्वय समिति हिमाचल पथ परिवहन निगम सुंदरनगर की बैठक बस अड्डा परिसर में हुई, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर चालक परिचालक समेत तमाम स्टाफ ने गहरी चिंता व्यक्त की और निगम प्रबंधन से चालक परिचालक समेत तमाम स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए हर संभव सुविधा मुहैया करवाने की मांग भी की। संघ के सुंदरनगर इकाई के अध्यक्ष गुरुदयाल चौधरी और बस अड्डा प्रभारी रामलाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर शीघ्र ही निगम के चालक और परिचालक सहित अन्य स्टाफ को कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम सुविधाएं नहीं दी गई और बस अड्डे सहित बसों में केमिकल का छिड़काव नहीं किया गया तो मजबूर होकर कर्मचारियों को अपने हाथ भी ड्यूटी से पीछे खींचने के लिए विवश होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार और निगम जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर संयुक्त समन्वय समिति हिमाचल पथ परिवहन निगम की ओर से उपमंडलीय प्रबंधक सुंदरनगर के माध्यम से प्रबंध निदेशक हिमाचल पथ परिवहन निगम और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर कांशीराम, विजय कुमार, प्रकाश चंद, धनीराम, रामलाल, दिलीप सिंह, ज्योति लीलाधर, धर्मेंद्र कुमार, श्यामा सिंह, किशन कुमार, गुरदयाल सिंह सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। मैं रामलाल ठाकुर, प्रदेश उपाध्यक्ष हिमाचल पथ परिवहन हिमाचल प्रदेश। आज कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता शिविर हम कर्मचारियों ने सुंदरनगर में लगाया, जिसमें हमने एक ज्ञापन प्रबंध निदेशक महोदय को उपमंडलीय प्रबंधक सुंदरनगर के माध्यम से दिया गया, जिसमें कि परिवहन निगम के कर्मचारियों के कोरोना वायरस से बचाव के लिए अति आवश्यक कुछ चीज़ें उपलब्ध करवाने की मांग की, जिसमें प्रत्येक बस अड्डे पर रसायन का छिड़काव व बसों में रसायन का छिड़काव तथा कर्मचारियों को दस्ताने व सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। अगर सरकार समय रहते ये चीज़ें नहीं उठाएगी तो इससे तो एक तो कोरोना वायरस के ज़्यादा फैलने का डर रहेगा, दूसरे परिवहन निगम के कर्मचारियों में ज़्यादा वायरस होने से निगम की भी क्षति होगी। अगर महोदय समय पर उचित कदम नहीं उठाएंगे तो इससे देश की भी दुर्गति होगी। हमने इसके उपरांत मंत्री महोदय से भी इसके लिए बचाव के लिए निवेदन किया है।